जिसको आप इम्प्लीमेंट करके पूरा परिवार का लाइफ चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मेरा बहुत ज़बरदस्त मानना है, अगर एक बच्चा परिवार का टॉप रैंक में चला जाए, चाहे आईआईटी हो, एम्स हो, आईएएस हो, कहीं भी हो, कम से कम उसका 7 जनरेशन आगे चला जाता है और उस समय जो उसका परिवार है वो तो आगे जाएगा जाएगा। इसीलिए पूरा का पूरा चीज़ ये है कि अगर हम हायर एजुकेशन की तरफ बच्चे को डाइवर्ट करें तो कुछ भी हो सकता है। खैर, यहाँ पर नटसेल में ये है कि कहानी लिखने के पीछे, किताब लिखने के पीछे इतने सालों का जो एक्सपीरियंस था उसमें ये देखा, ट्रेजडी ऑफ कॉमन्स, बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों को मालूम ही नहीं है कि कितने तरह के कंपटीशन होते हैं भारतवर्ष में। ऐसे कौन सा कंपटीशन है जो क्वालिफाई कर जाए और पता चले कि हम जो है ऑलरेडी आईआईटी और आईएएस बन चुके हैं। वो सारे कंपटीशन की जानकारी, और उससे भी बड़ी बात, वो सारे बुक्स नॉर्मली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, जिन्हें खोजने में मुझे बरसों लगे, उन सब का उसमें लिस्ट दिया गया है और उनकी जानकारी दी गई है। ये स्पेशल चैप्टर रखा हमने, बच्चे चाहे केजी में हो चाहे फिफ्थ में हो, अगर एक बार वो किताब पढ़ लेंगे गारंटेड है कोई भी कंपटीशन हो जरूर निकालेंगे। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट दिस बुक? हाँ, ये बहुत बढ़िया बात बताए साहब। घटना तो यहाँ से शुरू हुई, दिल में तो बहुत दिनों से एक तमन्ना थी कि एक बुक लिखेंगे कभी आगे जाके। एक लड़का था, बच्चा था, मैंने उसे देखा एक दिन पाउडर लगा रहा था। वो बच्चा काला था, मेरे को लगता है क्लास 3 की बात है। मुझे बहुत तकलीफ हुआ, मैंने सोफा पे बैठाया, कंधे पे हाथ रखा, प्यार से पूछा, क्या तुम गोरा होना चाहते हो? बच्चे ने कहा हाँ। हमने कहा पाउडर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा बोला कैसे? हमने कहा बड़ा सिंपल है, अगर तुम सारे कंपटीशंस में और अपने क्लास में और हर क्षेत्र में टॉप करना शुरू करो, पढ़ाई नहीं, हर क्षेत्र में, चाहे खेल हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे पोएम हो, तो तुमको जो एनुअल डे पर अवार्ड दिया जाएगा, स्कॉलरशिप बांटा जाएगा, हजारों की जब तालियां बजेंगी, उसका उत्साह देखकर तुम्हारे अंदर में जो एक खुशी पैदा होगी, उस खुशी से तुम गोरे हो जाओगे। जब तुम समाज में चलोगे, सारे लोग बोलेंगे तुम्हारा नाम लेके, उसी से तुम गोरा हो जाओगे। लड़के के दिमाग में बात बैठ गई, इस्कड़ मिसाइल की तरह आँखों का चमक बदल गया देखते देखते। और मैंने समझाया उसे, इसी का नाम है चेन रिएक्शन, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूज करते हैं, कि अगर तुम्हें एक बार सफलता मिली तुम शांत नहीं रहोगे, तुम आगे सफलता 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 लगे ही रहोगे। चमत्कार हो गया, विश्वास मानिए, उस क्लास में उस बच्चे ने 9 अवार्ड्स जीते, 9 प्राइजेस, जो कि हमारी भी कल्पना के बाहर था। खैर, वो बच्चा आगे जाके आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उन्हें अचीव किया है, और उसका नाम है अभिनव, जो मेरा सुपुत्र है, और अभी आईआईटी में ड्यूअल डिग्री कोर्स मुंबई में कर रहा है। उसकी चर्चा कभी हम और करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि वो पढ़ाई कैसे करता था, उस किताब में उसका अलग से जिक्र है, कैसे 110 सर्टिफिकेट उसने जो है नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अचीव किया है। एक छोटा सा ग्लिम्प्स देते हैं, जब वो 4th क्लास में था तो छुट्टी में खेल रहा था, मुझे लगा कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है, तो मैं ऑफिस जाते वक्त उसको बोला, CBSE का मैथमेटिक्स के बुक का अंतिम 4 चैप्टर, जिसे हमें भी नहीं पता था उसमें है क्या, तुम बना के रखना, मैं शाम में आके चेक करूँगा। शाम में जब आया तो देखा वो खेल रहा था, तो मुझे मन में बड़ा गुस्सा आया कि क्या इसको तो बोल के गए थे। तो मैंने पूछा, अभिनव तुमने वो 4 चैप्टर बना लिया? हंसते हंसते कहा हाँ मैंने बना लिया। कहा बना लिया? कहा हाँ बना लिया। हमने कहा आंसर चेक किया? कहा आंसर चेक किधर करना था? हमने ले किताब के लास्ट में रहता है, बोलता वो आप कीजिए। थोड़ा गुस्सा तो आया, नाश्ता किया, चमत्कार हो गया, चारों को चारों चैप्टर के सारे सवाल सही थे।